देखिए, पूरे झारखंड में जो भी लोग राजनीति करते हैं उन्हें इस पल का इंतजार था, वो पल अभी आया है। टेलीविजन के माध्यम से हम लोगों को भी सूचना लगी गई है कि झारखंड के जो 3 विधायक हैं उन्हें बेल मिल गया है और वो शाम तक बाहर आ जाएंगे। अब बाहर आने के बाद वो क्या कहेंगे इस पर तमाम मीडिया के लोगों की नज़रें गड़ी हुई है और पूरे झारखंड की नज़रें गड़ी हुई है। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए खुद पूर्व मंत्री चंद्रशेखर दुबे हैं, जरा इनसे जानते हैं। सर, 3 विधायक को बेल मिल चुका है, अब बाहर निकलने के बाद झारखंड की राजनीति गर्म होने वाली है, सच्चाई बाहर निकल कर आने वाली है, क्या लगता है? देखिए, ये 3 जो फंसे हैं इस पर मुझे विश्वास नहीं है। ये 3 विधायक अच्छे विधायक हैं और कैसे कैसे आल जाल करके इनको फंसा दिया गया, इसके गहराई तक हम नहीं जा सकते। लेकिन मीडिया के माध्यम से हमें भी जानकारी मिली है कि इनका बेल हो गया है। मैं इनके बेल से काफी खुश हूं, इनको बेल होना चाहिए क्योंकि ये निर्दोष लोग हैं, इनको गलत तरीके से फंसाना मुनासिब। अच्छा, राजनीति करने वाले लोगों को एक बातें समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि आप सबसे तजुर्बेदार नेता हैं झारखंड के, खासकर कांग्रेस के। कांग्रेस इतनी जल्दी कोई कार्यक्रम करता नहीं है या कार्रवाई करती नहीं है, बड़ा जल्दी कार्रवाई इस बार किया है कांग्रेस ने, क्या इतनी बेचैनी क्यों थी कांग्रेस में? देखिए, मैं इस पर आपको विशेष कुछ नहीं कर सकता। कांग्रेस की बेचैनी के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। कब से इतना खामोश होने लगे? जब से देख रहा हूं स्थिति, ये सब क्या हो रहा है, तब से कितना दुख लगता है कांग्रेस पार्टी की ये स्थिति देखकर। भारी दुख है और वक्त आएगा तो निश्चित रूप से मैं खोलूंगा इस बात को। सुना है कि आपके जैसे तजुर्बेदार नेता भी दुखी चल रहा है, तो तजुर्बेदार नेताओं का जमावड़ा लगेगा कहीं? आपने कहा था रामगढ़ में। देखिए, जो तजुर्बा रखते हैं, जो सीनियर हैं, वे अभी हैं, जिन्होंने प्रदेश को बनाया है, काफी इसके लिए स्ट्रगल किया है, काफी इसके लिए परेशानी झेला है, सारे लोग आज ऐसे ही कर देने से कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस को बनाने के लिए झारखंड में बहुत कुछ करना पड़ा है लोगों को, और जो पुराने लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, उनकी मर्यादा निश्चित रूप से होनी चाहिए। नहीं होता है ये अच्छी बात नहीं है, मैं इसको अच्छा नहीं समझता। अच्छा, ये जो 3 विधायकों को कांग्रेस ने निलंबित किया है, आप इसे कितना सही मानते हैं? नहीं, इसे मतलब कि लोग नहीं, देखिए 3 विधायकों को कांग्रेस ने निलंबित किस मामले से किया है अभी तक हमारी बातें नहीं हो सकी, लेकिन ये निलंबन उस समय के लिए, थोड़े समय के लिए था, ये निलंबन रहेगा नहीं, ये सब ठीक हो जाएंगे कहीं कुछ। एक और खबर आ रही है कि उन्हें जो बेल मिला है, बेल में कंडीशन रखा गया है कि पिछले 3 महीना, मतलब अगले 3 महीना तक वो कलकत्ता में ही रहेंगे, वो झारखंड नहीं आ पाएंगे, मतलब कड़ी पार रहेंगे। अब देखिए, कोर्ट के बारे में, कोर्ट ने क्या आदेश किया है इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, वो कोर्ट की मर्जी होती है। लेकिन इतना हम बता रहे हैं, जेल से निकल गए, बहुत बड़ी खुशी है, और क्या सच्चाई है वो तो सामने आ जाएगा। अच्छा, फुरकान अंसारी से आपकी गहरी दोस्ती रही है, आप लोगों ने साथ में राजनीति की, इस प्रकरण में आपकी खामोशी समझ नहीं खामोशी नहीं है। मैं जैसे ही सुना कि इंटक के बारे में लोग इंटक को बदनाम कर रहे हैं, मैं खड़ा हुआ, मैं बोला इस पर कि इंटक तो
एक तरफ संजीव रेड्डी और चंद्रशेखर दुबे में लाज 10 साल से लड़ाई चल रही है, हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर 8 केस चल रहा है, इसके बाद भी सोनिया गांधी जो हम लोगों के प्रमुख होती हैं, जो हम लोगों को सर्वे सर्वा सोनिया जी हैं। अच्छा, चाचा भतीजे से मिलने जाएंगे? देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, चाचा और भतीजे से मिलने के लिए क्यों जाएंगे, काहे के लिए जाएंगे, क्यों ऐसा पूछ रहे हो हमसे? 3 महीने तक नहीं आएंगे झारखंड। ठीक है, 3 महीने अभी तक कौन समय लग रहा है, अब कोर्ट का आदेश है तो पालन करना होगा। तो अब बाहर आने के बाद कोई झारखंड में नई रणनीति बनेगी? अब देखिएगा क्या होता है, अभी हम क्या कहेंगे, जब समय आएगा, जब वक्त आएगा बोले। तो सुना आपने एक कहावत है कि जब तालाब शांत है या समुंदर शांत है तो तूफान आने की आशंका है। ये ददई दुबे हैं जो बेबाक तरीके से हर बात को रखा करते थे मीडिया के सामने, आज खामोशी से कह रहे हैं कि आने वाला समय बताएगा हिमांशु जी, आगे आगे देखिए होता है क्या। जब इतना तजुर्बेदार नेता इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलने लगे तो समझ जाइए कि झारखंड में कुछ नया होने वाला है। अब क्या नया होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन देवेंद्र के साथ जीपी हिमांशु।